और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ में आज सुबह 11 बजे यानी अब से कुछ देर बाद किसान संगठन एसकेएम की अहम बैठक बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राज्यपाल के साथ साथ कई किसान नेता बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो 11 बजे किसानों ने ये मीटिंग बुलाई है, ये बैठक बुलाई है। एसकेएम जो है उन्होंने ये बैठक बुलाई है और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बैठक में राज्यपाल के साथ साथ कई किसान नेता बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब ये क्या फैसला लेंगे, क्या कुछ स्ट्रेटेजी, क्या कुछ रणनीति बनेगी, वो उस पर अब नजर रहेगी। 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, तय किया गया है जब ये एसकेएम की बैठक होगी चंडीगढ़ में। ये इस बैठक के बाद क्या निर्णय लिया जाएगा उस पर अब सबकी नजर होगी। उस बीच हम आपको चार तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या कुछ अभी चल रहा है शंभू बॉर्डर में। हम आपको दिखा रहे हैं कि आज कम से कम वहां शांति है। टीकरी बॉर्डर जबरदस्त सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। ट्रैफिक का आज थोड़ा सा रुक रुक कर चल रहा है लेकिन कम से कम चल रहा है। डब्वाली बॉर्डर पर आप देख रहे हैं वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। हालांकि अब दो दिन कूच नहीं करेंगे दिल्ली की तरफ, जो किसान शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं वहां से अभी हमने देखा जो तस्वीर नजर आ रही है, आज कम से कम वहां शांति है। कल तनाव देखने को जरूर मिला था लेकिन आज अभी फिलहाल शांति देखने को मिल सकती है। इस बीच एसकेएम जो है आज चंडीगढ़ में बड़ी बैठक करने वाले। और इधर दिल्ली कूच के लिए अड़े किसानों के तेवर थोड़े नरम नजर आ रहे हैं। पंजाब के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जमा जो किसान है उन्होंने एक बार फिर से सरकार के साथ बातचीत का इरादा जाहिर कर दिया है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार औपचारिक तौर पर उन्हें बातचीत के लिए बुलावा भेजेगी तो वो बैठक पर विचार करेंगे। शायद इसीलिए किसानों ने अपनी अगली रणनीति पर अमल करने के लिए दो दिनों का वक्त लिया है ताकि इन दो दिनों के दरमियान सरकार के साथ उनकी बातचीत हो पाए। तो दिल्ली कूच पर अड़े थे किसान, उनके तेवर अब थोड़े थोड़े नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। दो दिन का वक्त उन्होंने अपने लिए रखा है और दिल्ली कूच को दो दिन के लिए टाला है। और इस बीच जो ऑफर दिया गया है एक और बैठक का, उसके लिए कहीं ना कहीं राजी हो सकते हैं किसान। किसान नेता सवरण सिंह पटेल हमारे साथ हैं। दो दिन का दिल्ली कूच रोका गया है, वजह क्या है? देखिए अभी जो खनौरी में बड़ी घटनाएं घटी है, जिस तरह से एक किसान को सीधी बुलेट ला के शहीद किया गया, तीन गंभीर जख्मी हैं, वहाँ खनौरी बॉर्डर में घुस के जिस तरह ट्रैक्टर ट्रॉली को अर्धसैनिक बलों ने नुकसान किया, ये सब बातों पे समीक्षा करके उनके घर परिवार से मिलकर आगे किस तरह से हम सोचे उसके लिए दो दिन का विश्राम। सरकार की तरफ से निमंत्रण आया, ट्वीट किया करके कहा कृषि मंत्री ने कि पांचों दौर की बातचीत कर लेते हैं, आप लोग बैठक के लिए नहीं गए, फिर ये मैसेज संदेश जगह कि किसान बातचीत नहीं करना चाहते। बिल्कुल झूठी बात है, हमने जब बात करने उसे ट्वीट लीक कर दिया था, फिर ये बयान दे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने के हल के लिए और अन्य मांग के लिए वार्ता होगी, उन्होंने इस तरह का बयान दिया नहीं। तो केंद्र की मंशा स्पष्ट होगी कि वो एमएसपी गारंटी कानून बनाना ही नहीं चाहते, इसके बीच में खरौरी की घटना हो गई तो ये बात थी, केंद्र भाग रहा है। अब सरकार से आप क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे? वो अगर वो तो बोल रहे हैं हम हल करेंगे, तो बोला ये बयान तो दीजिए एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून के हल के लिए मीटिंग करेंगे, कौन इनकार करेगा? कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ मानव यादव, शंभू बॉर्डर। किसान नेता को आपने सुना, मंत्री का कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने एक बार फिर से किसानों से कहा कि बातचीत ही एकमात्र समाधान है, उसी से ही सॉल्यूशन निकलेगा। उन्होंने आशा जताई कि किसान और सरकार मिलकर इसका समाधान निकाल लेंगे। किसानों के मसले पर कई दौर की बातचीत हुई है और अभी भी हम बातचीत के लिए किसान संगठनों से कहा है कि इसका समाधान बातचीत के माध्यम से हम निकालेंगे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, वार्ता के माध्यम से ही निकलता है। और यह देश हम सबका है, हम सबको मिलकर के देश का समाधान निकालना चाहिए ऐसे समय में कि हर आदमी के लिए वो लाभदायी हो सके। तो मैं आशान्वित हूँ अभी भी कि हम सब मिलकर के इसका सारांश निकालेंगे और इसका समाधान होगा। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं तो कहूँगा कि हमारे जो कई राउंड की बातचीत में बहुत सार्थक भी चर्चा हुई है कई मायने में, लेकिन कुछ में सहमति पर और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा दोनों तरफ से, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है।
इस बीच आज किसानों ने पंजाब में हाईवे जाम करने का ऐलान कर दिया है। अब से कुछ घंटे बाद यानी दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक किसान हाईवे को जाम करने के लिए निकलेंगे। खनौरी बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाथ सिंह चढ़ूरी ने हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। तो अब ये ऐलान कर दिया गया है, कुछ ही घंटे बाद 12 से 2 घंटे का वक्त है, अलग अलग जगहों पर हाईवे को जाम किया जाएगा। जिस तरह से एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई है उसके विरोध में ये जाम का ऐलान किया गया है गुरनाम सिंह चढ़ूरी की तरफ से। अभी हमारी जूम मीटिंग हुई थी और फैसला लिया है वो पुतला फूकने का प्रोग्राम रद्द करके 2 घंटे का रोड जाम का प्रोग्राम है और सभी जिले अपनी अपनी जगह पे एक एक जगह जिले में रोड जाम करेंगे 2 घंटे के लिए 12 बजे से 2 बजे तक। और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आज शांति नजर आ रही है। एक तरफ सड़क पर डटे प्रदर्शनकारियों के खेमे में कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है, यानी एकदम सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम पुलिस की तरफ से कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ शांति है क्योंकि 2 दिन का वक्त एक तरह से किसानों ने लिया हुआ है। तैयारी हम आपको दिखाते हैं कि बुधवार के लिए क्या तैयारी हरियाणा पुलिस ने की थी। आप देखिए, ये वो पुल है जिसके ऊपर अभी हम खड़े हुए हैं और इसी पुल के ऊपर हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो गहरे गहरे गड्ढे यहाँ पर हरियाणा पुलिस की तरफ से खोदे गए कि जिससे कि किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच ना कर पाए। और नदी के सहारे आप देखेंगे कि लंबा एक नाला नुमा गड्ढा यहाँ पर खोदा गया है जिससे कि किसान ट्रैक्टर लेके आगे ना बढ़ पाए। तो दूसरी तरफ आप देखिए, जब किसानों की तरफ से पोकलेन या जेसीबी मशीनें लाई गई थी उसके बाद पुलिस ने भी पुल के ऊपर जेसीबी और पोकलेन मशीनें यहाँ पर खड़ी की थी और उसके बाद वहाँ पर बड़े बड़े कंक्रीट के हैवी ब्लॉक्स वहाँ पर रख दिए थे रास्ते को जाम करने के लिए। अब उन ब्लॉक्स को यहाँ पर हटाने का काम किया जा रहा है पोकलेन मशीन के जरिए, जेसीबी मशीन के जरिए अब उन ब्लॉक्स को यहाँ पर हटाने का काम किया जा रहा है। तो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किसानों का दिल्ली कूच कितना मुश्किल था, क्योंकि इस पूरे ही पुल को एक छावनी, एक किले के तौर पर तब्दील कर दिया, रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया था। कि दिल्ली कूच रोकने के लिए पुलिस ने कितने तगड़े इंतजाम शंभू बॉर्डर पर घग्गर नदी के ऊपर पुल के ऊपर किए हुए हैं। कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ मानव यादव, न्यूज 18 इंडिया, शंभू बॉर्डर।